को आगे बढ़ाने के लिए भी ये सभी जनपद आगे कार्य कर सकेंगे। इस पर कार्य करने के लिए कार्य योजना अपना दी गई है और तीसरे चरण में जो हमारी कार्रवाई साथ साथ प्रारंभ हुई है कि जो 14 मेडिकल कॉलेजेज हैं अलग अलग जनपदों में बनाए गए हैं जो फंक्शन में हैं, इन सब में भी कोरोना टेस्टिंग की हम लोग लैब्स स्थापना करेंगे। ये कार्रवाई हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके अलावा सभी जनपदों में, हर एक जनपद में हम लोग कलेक्शन सेंटर बना करके इस प्रक्रिया को, क्योंकि वहाँ पर जो भी एपरेटस खरीदने होंगे, जो भी इक्विपमेंट खरीदने होंगे, इन सब को हम लोगों ने अभी से एक कमेटी गठित करते हुए इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। हमने आज भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं, मैंने उत्तर प्रदेश की अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिए हैं, एक कहीं भी भोजन का संकट ना आने पाए, दूसरा किसी भी प्रकार के उपचार में कहीं कोई स्थिरता न हो, इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो। ये कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर, मुझे विश्वास है कि हम 23 करोड़ जनता को कोरोना से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ है, निश्चित ही उत्तर प्रदेश में इसको सफलता प्राप्त होगी।